हाय गाइस, कैसे आप सब आए हो? पापा अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, तो मैं आज का ब्लॉग कर रही हूँ 10:30 बजे से शुरू। तो मेरा काम अभी आधा हो चुका है, आधा नहीं हुआ है। तो सुबह का जो काम करते हैं पहले, फिर आपको मिलती मैं बाद में। दीपिका ला रही है मेरे लिए पानी, तो गाइस चाय ला रही है, मैं सोचू पानी ला रही है। तूने पी ली? तो मैं पीती हूँ गैस पहले चाय, फिर एनर्जी आएगी, फिर काम करो। तो गैस, सारा मैंने काम धाम जो है सारा घर का हो चुका है। तो अब मैं आज खाने में बना रही हूँ, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि बिना घी तेल के सब खाना बनाऊँ। तो मैं आज बना रही हूँ पनीर की भुजी। तो आज मैं बिना घी तेल के बनाऊँगी। तो मैं वो कैसे बनाती हूँ आपके साथ वो रेसिपी शेयर करती हूँ, और कैसे बनती है क्योंकि मैं फर्स्ट बार बना रही हूँ, तो कैसे बनती है वो देखते हैं। तो चलिए गाइस, किचन में चलते हैं और तैयारी करते हैं। तो गाइस, मैंने लिया है पनीर भुर्जी बनाने के लिए पनीर, 2 हरी मिर्ची, 2 बड़ा प्याज काट लिया है, 2 टमाटर काट लिया और हरा धनिया काट लिया है। और साथ में लिया है कढ़ाई, जो कि मैंने गरम करने रख दी है, क्योंकि इसमें घी तेल तो मैं डालने वाली नहीं हूँ। तो कढ़ाई गर्म होगी तब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी। तो पनीर का मैंने यहाँ पे चूरा बना लिया है, और कढ़ाई हो गई है हल्की सी गरम। इसमें डाल दूंगी जीरा, तो ये आजकल बहुत चल रहा है कि बिना घी तेल के खाना बनाऊं। तो मैंने भी सोचा आज मैं इस तरह बनाऊंगी। तो हल्का सा पहले जीरे को ब्राउन कर दूंगी, जीरे का जो कलर है थोड़ा चेंज हो गया। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ प्याज, तो प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूंगी। तो देखते हैं आप कैसे बनती है हमारी बिना घी तेल की भुर्जी, पनीर भुर्जी। टेस्ट में फर्क होता है कि नहीं? तो प्याज जो है सॉफ्ट हो चुका है, इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने दूंगी। इसके साथ ही मैं डालूंगी नमक, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा धनिया पाउडर, ये हल्दी गिर गई गाइस। हल्दी इसमें कढ़ाई में छटक चुकी है, मेरे चम्मच लगाया तो मैंने हल्दी डाल दी, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। और डालूंगी अब लाल मिर्ची, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा पानी डालूंगी ताकि मसाले जले नहीं। डाल दूंगी हरी मिर्च, तो थोड़ा मसालों को पका लेते हैं। तो मसाले जो है पक चुके हैं, इसमें डाल दी मैं पनीर और इसमें कर दूंगी मिक्स। तो हमारी जो पनीर भुर्जी है वो बन चुकी है गैस। इसमें डालूंगी मैं हरा धनिया, तो कर दूंगी इसमें मिक्स। चलिए रखते हैं हमने डोंगे में। तो
खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बिना घी तेल की बनाया है तो देखते हैं इसका टेस्ट में क्या कुछ अंतर है कि नहीं है। टेस्ट करते हैं। तो बन गई है हमारी पनीर भुर्जी, और खाते हैं। तो किसके साथ खाना है? तो किसके साथ खाना चाहती है? रोटी है, ब्रेड भी है, क्या लूं? दोनों लिया, ब्रेड भी लिया। पहले ब्रेड के साथ टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके देख ले इसका टेस्ट अच्छा है कि नहीं। बिना घी तेल के बनाया है। अरे थोड़ा ले सैंडविच बनाएगी क्या? क्या नहीं लगा सारा मेरे को? तो गैस मैं भी खाती हूँ, दीपिका जल्दी फिनिश कर देगी। तो चलिए ये तेली जरा नहीं, आप बिल्कुल ऐसे बनाओ, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है इसमें घी तेल डाला कि नहीं। बहुत यमी बना गाइस, तो आप भी जरूर बनाना इस तरह। तो मिलते हैं आपको बाद में। तो हम लोगों ने तो जो पनीर की भुजी है ब्रेड के साथ खाई तो काफी मस्त लग रही थी, रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। तो हमने, क्योंकि हमारे पास कल की ब्रेड पड़ी थी, मतलब कल की जो ब्रेड पकौड़ा बनाए थे, तो उसकी ब्रेड मैंने सिर्फ 4 ब्रेड की बनाई थी, तो बाकी मैंने ब्रेड बचा ली थी। तो दीपिका बोल रही थी सैंडविच बनाऊंगी, पर सैंडविच तो रह गया उसका, बना लेगी फिर कभी। तो हमने खाई पनीर की भुजी और ब्रेड, पेट हो गया फुल और मज़ा आ गया, बिल्कुल मस्त एकदम से। स्वाद में तो कोई अंतर ही नहीं, एक नंबर बना था गाइस। और आप ज़रूर बनाना इस तरह बिना घी तेल के, बहुत टेस्टी बनता। जो मैंने ये हैक देखा था वो बिल्कुल पास हो गया, बिल्कुल इसको 100 में से 100 नंबर मिलेगी। तो मस्त बना था। तो चलिए गैस करते हैं थोड़ा आराम। तो अपने प्यारे प्यारे पौधों को पहले पानी दे देते हैं। तो गैस मैंने ये थोड़ी बहुत सब्जी निकाली, हरी सब्जी, ये राई, थोड़े प्याज के पत्ते, क्योंकि इनमें बीज होने लग गया था तो फिर काफ़ी टाइम हो गया था इनको, तो मैंने निकाल दिया है। और ये है राई जो बीज हो रहा था, मैंने बीज, इसमें मैं अपने साग सब्जी के छिलके वगैरह डालती हूँ खाद बनाने के लिए, ताकि अपने पौधों में डाल सकूँ जब सूख जाए। यहाँ पे हस्बैंड जी भी आके बैठ गए फोल्डिंग में आके बैठ गए। गर्मी लग रही है आपको है? पजामा छोड़ के निकर पे आ गए। तो गाइस ये थी आज की मेरी दिनचर्या और मेरी रेसिपी, आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इस तरह बिना घी तेल के भी भुजी और साग सब्जी बन सकती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा बना के। तो आई होप आप भी ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं अगले रेसिपी और वीडियो में, तब तक ले बाय गाइस, टेक केयर, जय सीताराम, श्री राधे राधे।